जबलपुर स्थित हिरन सिंचाई डिवीजन पचमेड़ी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईओडब्ल्यू की टीम ने ऑडिटर संदीप मस्के को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ऑडिटर संदीप मस्के के ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ने की खबर के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं ईओडब्ल्यू डीएसपी एवी सिंह ने बताया कि ठेकेदार नरेंद्र सिंह परिहार ने अपनी सुरक्षा निधि 12 लाख रुपए वापस करने के लिए पचमेड़ी स्थित हिरन सिंचाई विभाग में आवेदन दिया और राशि निकालने के लिए ऑडिटर संदीप मस्के ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित नरेंद्र सिंह परिहार ने ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचकर की। आवेदक जो भी ठेकेदार है श्री नरेंद्र सिंह परिहार द्वारा एक लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू कॉलेज में पेश की गई थी, जो उनके द्वारा बताया गया था कि हिरन जल संसाधन पचमेड़ी कार्यालय जबलपुर द्वारा जो वहाँ के जो अभी क्लर्क हैं इनके द्वारा 12 लाख की अर्जी रिलीज करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। जब इस तथ्य की तस्दीकें की गई तो ये बात सत्य पाई गई और इसके बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संदीप मस्के को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आज रिश्वत देते हैं ये कार्यालय से इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है।